नमस्कार। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास सजा काट रहे आसाराम को जोधपुर जेल में कोरोना हो गया था। उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह सुरक्षा कारणों को देखते हुए उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद से वे लगातार जोधपुर एम्स में भर्ती है, लेकिन अब आसाराम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम को अभी 21 मई तक एम्स में ही रहना होगा। कोरोना पॉजिटिव आसाराम की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उसका बीपी और ऑक्सीजन लेवल भी अब सामान्य बना हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट में एम्स की तरफ से पेश एक रिपोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई तक स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने 21 मई से पहले एम्स से उसके स्वास्थ्य को लेकर नई रिपोर्ट मांगी है। तब तक आसाराम को एम्स में ही रखा जाएगा। ऐसे में उसे जेल से बाहर आने के लिए 21 मई तक इंतजार करना होगा। कोरोना संक्रमित होने के बाद आसाराम ने अपनी अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की है। आसाराम की तरफ से इलाज कराने के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत देने की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट ने एम्स से आज आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हाईकोर्ट में आज न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेंद्र कछवा की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई है। ऑनलाइन हुई सुनवाई में आसाराम तरफ से दिल्ली के वकील सिद्धार्थ लुथेरा ने पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि आसाराम के हार्ट में तकलीफ है, साथ ही वे कई बीमारियों से परेशान भी है। ऐसे में आयुर्वेद पद्धति से अपना इलाज केरल जाकर कराना चाहते हैं। इसी कारण मानवीय आधार पर जमानत दी जाए। राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया और वकील अनिल जोशी ने कहा कि एम्स की तरफ से इस आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट में उसे किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं बताई गई है। फिलहाल उसका सिर्फ कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। वही कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन का आइसोलेट रहना अनिवार्य है। ऐसे में जमानत दिए जाने कोई आधार नहीं बनता। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 21 मई तय कर दी। तब तक आसाराम के कोरोना संक्रमित होने के बाद से 14 दिन पूरे हो जाएंगे। साथ ही एम्स में उस दिन आसाराम के स्वास्थ्य की ताज़ा रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। इसके आधार पर तय किया जाएगा कि आसाराम को जमानत दी जाएगी या नहीं। वही आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास सजा काट रहे आसाराम का दूसरे बंदियों के साथ कोरोना सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव आने के बाद आसाराम का ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया था। बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था। 2 दिन पूर्व उसे सुरक्षा कारणों से जोधपुर एम्स में शिफ्ट किया गया था और वह आसाराम की सेहत में अब लगातार सुधार हो रहे हैं। वही एम्स में उनकी सुरक्षा एम्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो इस तरह से आसाराम को लेकर यह बड़ी खबर है। 21 मई तक आसाराम जोधपुर एम्स में शिफ्ट रहेंगे और 21 मई को ही हाईकोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी।